ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मुंगेली में मनरेगा की राशि में जमकर भ्रष्टाचार करके मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मामला लोहड़िया पंचायत का बताया जाता है, जहां बड़े पैमाने में मस्टर रोल में फर्जी हाजिर डालकर रकम को निकाला जा रहा है, जबकि वास्तविक मजदूर काम मिलने के इंतजार में बैठे हुए हैं, फक्काशी को झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल भरने का खेल जमकर चल रहा है, जिस पर लगाम लगाने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी कम गहराई का हवाला दे रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि भी मजदूरों के हक के लिए आवाज को बुलंद नहीं करते। जिन काम करा थे तेकर पैसा काटे थे और घर में सूते सूते तेकर कारण भरावा थे, मेट बने हैं तेन में तो छुट्टी का टाइम आवा थे, दो मिनट आते और हाजिरी भरवा जावा थे, एक नहीं डबल डबल हाजिरी भरावा थे। एक जान छानबीन होना चाहिए तभी कागज सही रास्ता मिल सका थे। यहाँ के ग्राम पंचायत लोहड़िया में 500 मीटर से काम हुआ है, जिसमें हमारे जितने भी मजदूर भाई लोग काम किए हैं उसमें बहुत ज्यादा कटौती कर दिया है। उसमें मिली भगत है रोजगार सहायक सरपंच सचिव और इंजीनियर का काम करने से लेकर मतलब मस्टर रोल जनरेट होने के बाद से लेकर मस्टर रोल भरने और काम करने और पेमेंट तक का वो सारे FTO के थ्रू ऑनलाइन होता है, सारा चीज ऑनलाइन है, तो उसमें कोई सवाल नहीं उठता कि गलत हो रहा है क्या हो रहा है। अगर आप लोगों के नॉलेज में आता है कि कुछ स्पेसिफिक गांव के तो उसमें हम लोग जांच कराएंगे। मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसका परीक्षण करें। सामान्यतः नापने के बाद मूल्यांकन करके मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, ये बात मेरे संज्ञान में आई है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसका परीक्षण करें और जो श्रमिक हैं उनको उनकी मेहनताना बराबर मिले। रोहित कश्यप मुंगेली से संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, आखिर कब तक गरीबों के हक पर डाका डाला जाएगा? अधिकारी कब तक अपनी जिम्मेदारी से इसी तरह पल्ला झाड़ते रहेंगे? देखिए, ये विडंबना की बात है कि लॉकडाउन पीरियड में मनरेगा कार्य के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर उसकी मजबूती जो रूपरेखा तैयार की गई है वो कहीं ना कहीं धरातल स्तर पर विपरीत नजर आ रही है, क्योंकि मुंगेली जिले में जिस तरीके से मनरेगा काम में लॉकडाउन समय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो जिम्मेदार अधिकारियों की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला मुंगेली जिले के लोहरिया ग्राम पंचायत का है, जो कि बिलासपुर के जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव है उनका गृह ग्राम है। यहाँ पास मनरेगा के तहत रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो काम करने वाले वास्तविक मजदूरी है उनकी मजदूरी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है उसके मुताबिक जो काम नहीं करते उनकी फर्जी हाजिरी भरी जाती है सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा, जिसके चलते आपको रोकना चाहूंगी। सागर सिंह बैस, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सागर जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। जी धन्यवाद। सागर जी, आपकी ही सरकार है, आपके ही सरकार के मतलब जो अधिकारी हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, मास्टर रोल फर्जी तरीके से बना लिया गया है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, कब तक ऐसा चलेगा सर? देखिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है हमारी वो पूरे भारत में नंबर में है। अभी सर इसीलिए सर नंबर वन सरकार है सर, और हमने संवेदनशील मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता वक्त वक्त पर देखी है कि किसी को अपने हक की आवाज उठाने से पहले उसको उसका हक मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो मनरेगा का मजदूर त्राहिमाम कर रहा है सर, और इसलिए तो हमें भी कष्ट हो रहा है ये सवाल करते हुए कि मुख्यमंत्री के होते हुए कैसे मस्टर रोल में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, जनपद CEO है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी अभी मैम ये बात जानकारी अभी मेरे को अभी के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली है। ये ऐसा नहीं है मैम, देखिए अब मुंगेली जिले में बताऊं आपको, लगभग मुंगेली जिले में 350 लगभग ग्राम पंचायत तो मुंगेली में, तो एक आध गांव में अगर ऐसी शिकायत है तो इसमें बिल्कुल इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मस्टर रोल में जो आपको आप हमारे साथ बने रहिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ। साखर जी, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं अरुण साव जी, वो भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अरुण जी, आपके क्षेत्र में मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है, इतनी पीड़ा देखी नहीं जा रही? वो
मुझे संज्ञान में लाई गई थी, मैंने अधिकारियों से बातचीत की है कि उनको उनके काम का मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, ये शिकायत मिली थी और मैंने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया था किस विषय पे संज्ञान ने। और अभी जो आपने एक बात बताई कि फर्जी मास्टर रोल तैयार किए जा रहे हैं, तो मैं इस विषय पे उच्च अधिकारियों से बातचीत करूंगा और निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अरुण जी ठीक है, केंद्र सरकार की संवेदनशीलता हम देख रहे हैं, राज्य सरकार भी मतलब तटस्थ होकर मजदूरों के लिए आवाज उठा रही है, कार्य भी कर रही है, आप भी अपने क्षेत्र में लगातार दौरे करते रहते हैं, उसके बाद भी अगर अधिकारी अपनी गलती नहीं मानेंगे, मस्टर रोल में फर्जीवाड़ा किया जाएगा गरीबों के, और एक मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे उनके दो दो बार नामों को डाला गया है, जो काम कर रहे हैं उनको उनके मुनासिब मजदूरी तक नहीं दी जा रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है। मतलब ये तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर मुंगेली क्षेत्र की बता रहे हैं, न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पे आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं और हम लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही रोजगार सहायक जो मस्टर रोल को तैयार करता है उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबके जो कहते हैं ना कमीशन सबका बंधा हुआ, इसलिए कोई हाथ नहीं डालता। मैं इस विषय को निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है निश्चित रूप से उनका कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि अरुण जी आपने जो आश्वासन स्वराज एक्सप्रेस पे दिया है उस पर आप खड़े उतरे और जरूर कार्रवाई होना चाहिए, मजदूरों को उनके हक का उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए। सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे रोहित, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।